ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਤਨਾ ਹੀ सर सत श्री अकाल जी मैं संतोष कुमार चेयरमैन ऑफ हिंदी एकता समाज सेवा संस्था सर एक बच्ची की तुसी देखभाल कर रहे की होया सारा दस बजे तक खोल के जाए जी कल मैंने एक फोन आया मैं देने वे सीगा ते इत्थे सेवादार साढ़े मौजूद सीगे ते सानू फोन आया कि एक 12 साल की बच्ची है जिन्हों के एक बेबी होया सो उस टाइम एक गल सुन के तो मैं हैरानी रह गई 12 साल की बच्ची है तो उन्होंने मतलब कि बच्चा होया सो उस टाइम मैं चलो मैं आ रहा तो इतने 2.5 to 3 घंटे बाद मैं पहुंचा तो सारे हालात को समझने की कोशिश की बच्ची को पूछा भी हाँ बेटे भी किस तरह होया की होया भी ये बच्चा किस तरह की है वो बच्ची कुछ दस नहीं पा रही बच्ची ने इन्नी गल दसी है कि खुले के जी शौच कर जाती सी तो जिते कि वो दो बारी जो गलत कम हो सो ये काफ़ी हैरानगी वाली गल है कि साढ़े समाज के यह जे लोग भी है कि जोड़ी छोटी छोटी बच्चिया जी 12 साल की बच्ची भी जो नहीं छटिया सो एक काफ़ी हैरानगी वाली गल है तो मैं ये प्रशासन को चाहूँगा कि ये बरखिलाफ़ जी सख्त तो सख्त जी कार्रवाई की जाए तो पूरी इनकुआरी की जाए कि हो कुछ किस तरह होया ये कौन तत्व ने पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा जी किसी लीडर के नाल या मंत्री के नाल किसी या मुख्यमंत्री को कोई लैटर लिखी जाएगी नहीं हजे जी ये सर कल शाम का मामला है सो असी मुख्यमंत्री साहब नूं ये लैटर देवांगे तो इतने जोड़े जो भी लोकल इतने है जो भी पंजाब के जोड़े अहदेदार जोड़े अहदे ने अं सारे जी लैटर भेजेंगे अपने वालों तो सानू पुलिस का सहयोग जोड़ा वो बहुत वधिया मिल रहा है कल शामी फोन किया तो इतने पुलिस आई सी सो उन्होंने बहुत वधिया ट्रीट किया बहुत वधिया तरीके ने इनकुआरी की है तो इनकुआरी चल रही है जितों का परिवार रहने वाला उतों के किसी पुलिस अधिकारी या किसी सीनियर अधिकारी कोई गल हुई है कपूरथले तो पुलिस आई सी जी उन्होंने मेरी गलबात हुई है जी सो उन्होंने पूरा आश्वासन दिता कि ये केस की जड़ तक पहुँचा जाएगा तो जो भी दोषी होएगा वो बरखिलाफ़ जी कार्रवाई की परिवार की कंडीशन किस तरह की है ये बहुत ही गरीब ने जी बहुत ही पुअर परसन है बहुत ही गरीब है जी मतलब हद तो ज़्यादा गरीब लड़की की माता है नहीं जी लड़की के दसन के हिसाब से जी लड़की की माता है वो कि चली गई है बट जी जो लड़की का प्यो हैगा उन्हें दसा कि मिसेज की डैथ हो चुकी है किन्ने भैन भरा तीन भैन भरा टोटल जी लड़की के दसन के हिसाब से टोटल तीन भैन भरा ने दो जा चुके हैं छड़ के तो एक लड़की आ गई सब तो बड़ी है सहयोग मिल रहा जी सारा प्रशासन की मैसेज है प्रशासन भी जी मेरा यही मैसेज है कि जो यह जी जो वाकई हो रहे हैं साढ़े पंजाब या साढ़े देश के इन्हों किसी ना किसी तरीके जो रोकया जाए जो ये अत्याचार जी गरीब कुड़ियों हो रहा है या खुले खुले बच्चे अगली शौच के जा रही है ये किसी न किसी तरीके ये अत्याचार जोड़ा है वो रोकया जाए ओके सर थैंक यू हाँ जी मैम अपना नाम नमस्कार आप सभी को जय हिंद मेरा नाम कुमारी ज्योति है डिंपल के नाम से आप सब जानते हो जैसा कि आप सब जानते हो हिंदी एकता समाज सेवा संस्था की मैं सेवादार हूँ कल ऐसा हुआ था जब हम सेवा के लिए अमृतसर आए लुधियाना से तो यहाँ पर नीडी पेशेंट को हम मेडिसिन फ्री उपलब्ध कराते हैं तो हुआ ये था कि हमने एक केस देखा काफ़ी ही उलझा हुआ केस था एम्बुलेंस से एक केस आया था एक लड़की थी 12 साल की उसके हाथ में बच्चा था प्री मैच्योर बेबी और लड़की के पिता थे उसके साथ जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या मैटर है तो उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया फिर जिस तरह के डॉक्टर हमें बता देते हैं कि यहाँ वार्ड में कौन कौन नीडी पेशेंट है आप इनकी हेल्प कर दो तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इस पेशेंट को ना आपकी हेल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे बाहर का फिर जब हमने केस सुना तो वाकई में मेरा खुद भी दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब आज की दुनिया में ये हो क्या रहा है एक 12 साल की बच्ची पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके पिता को पता ही नहीं था जो उसके पिता के बयान थे हमने उसके पिता से जानने की कोशिश की उन्होंने कहा कि आज डिलीवरी हुई है सुबह तो मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी तो हमारा तो मतलब सुनकर ही हम हैरान थे फिर हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया सीनियर सर को हमने बुलाया और पुलिस तक भी हॉस्पिटल वालों ने पुलिस की भी सहायता ली और पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छे से सहायता की और फिलहाल इलाज चल रहा है बच्चे कंडीशन क्या है बच्चे की और माँ जो बच्चा बच्चा अभी सीरियस है कुछ कह नहीं सकते प्री मैच्योर बेबी है उसका वेट बहुत कम है 800 ग्राम के लगभग है वो अभी आईसीयू में है तो अभी कुछ कह नहीं सकते रिकवर होने में टाइम लग सकता है और जो बच्चे की माँ है उसका भी इलाज चल रहा है फिलहाल बच्चे की जो माँ है वो नॉर्मल है तो
क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं वो पता चला, किसने ये गलत हरकत की है वो अभी तक पता चला? हमने बच्ची से जानने की कोशिश की, जो बच्ची के बयान है वो ये कह रही है कि वो देखकर पहचान जाएगी कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसको काफ़ी डराया धमकाया गया है कि किसी से बताना नहीं है। और जो बच्ची के पिता है आप उनसे खुद भी मिल सकते हो, पर जिस तरह उनका स्वभाव है कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे कैसे जागरूकता की कमी कैसे हो सकती है, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ और आपको पता भी नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि 6-7 महीना, वो भी 12 साल की लड़की, मतलब हम ये कह सकते हैं जो बड़ी महिलाएं होती कई बार होता है कि पता ना लगे देखने में, वो एक बच्ची है, तो ऐसे कैसे जागरूकता की कमी है हमारे समाज में कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। और उसकी माँ है, माँ को भी पता नहीं चला? बच्ची की माँ नहीं है, बच्ची ने बताया जब वो 2 साल की थी तो उसकी माँ घर से भाग गई थी, जो बच्ची ने बताया उसका बयान ये है, और उसके पिता का बयान ये है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी, दोनों के बयान अलग अलग हैं। और जो बच्चे के पिता है उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो मेरी लड़की है ये शौचालय वगैरह के लिए बाहर खेतों की साइड जाती है, तो उस दौरान इसके साथ छेड़छाड़ हुई, और दोनों बच्चे के पिता और बच्ची दोनों का बयान भी अलग अलग है, जिससे हमें भी अभी कुछ समझ नहीं आया है। किस इलाके के रहने वाले थे? अमृतसर? उन्होंने अमृतसर से बाहर, अमृतसर के बाहर के, उन्होंने फगवाड़े का बताया हुआ है कि फगवाड़ा से है। तो पुलिस क्या क्या सहयोग मिला अभी तक? पुलिस का हमें सहयोग मिला, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने जांच पड़ताल की, कार्रवाई की, फिलहाल कार्रवाई चल रही है, बच्ची और उसके जो बेबी हुआ है उसके इलाज के दौरान उनको बयान के लिए थाने बुलाया गया है, या पुलिस वाले खुद ही फीमेल जो स्टाफ है वो बयान लेंगी, फिलहाल अभी कार्रवाई होल्ड पर है, वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। अमृतसर की कार्रवाई कर रही है या फगवाड़ा की कर रही है? सर वो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमारे सीनियर सर है वो ही बता पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता पुलिस कहाँ से आई थी, फगवाड़ा की भी हो सकती है, अमृतसर की हो सकती है, एक लेडीज स्टाफ ने बताया था कि मैं फगवाड़े से हूँ। तो जड़ तक पहुँचा जाएगा? हाँ जी, जड़ तक। हाँ जी बिल्कुल, और हमारी संस्था हिंदी एकता समाज सेवा संस्था, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये केस है इसकी जड़ तक कार्रवाई होनी चाहिए, और हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे इसकी, क्योंकि ऐसे तरह का मामला आज एक के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है, और इतने मतलब जागरूकता की कमी कैसे हो गई कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्या 6-7 महीने तक बच्चे ने कुछ भी नहीं बताया, और बच्चे का ये बयान है कि उसके पेट में दर्द होता था, और बच्चे के जो पिता है वो ये बता रहा है कि इसके जब पेट में दर्द होता था तो मैं इसे दवाइयाँ भी ला के देता था, तो वो ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि आपको पता नहीं लगा और आप पेट दर्द की दवाई दे रहे हो? डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो डॉक्टर बिल्कुल होनी चाहिए, और वो ये दोनों जो बच्ची है और उसका जो पिता है इनके बयान के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके बयान को भी अच्छे से जाँच पड़ताल करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे को बहुत ज़्यादा डराया गया हो और वो कुछ बता ना रही हो। फिलहाल हमारा जो सहयोग है वो है, हमारा जो पहला काम है जान बचाना, तो जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और उस बच्चे के इलाज के लिए जो भी हमारी कोशिश रहेगी, हमारी जो पहल है वो बच्चे के लिए है कि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जितनी भी दवाइयाँ लगेगी जो भी टेस्ट है वो सारी हमारी संस्था देख रही है। मांग की गई है, आपने किसी से हेल्प की जरूरत पड़ रही है, पैसे की जरूरत पड़ रही है किसी से आपने? हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हो जो हिंद एकता समाज सेवा संस्था पंजाब में एक ऐसी संस्था है जो हर जिले में ये जाकर जो हमारे सेवादार है वॉलंटियर, जिस तरह से मैं हूँ, मुझे भी संस्था ने एक टाइम पर हेल्प की थी, मेरी लड़की के इलाज के लिए 1,62,000 लगा था जो मुझे पता भी नहीं चला था। इस तरह से ये सेवादार जुड़ते जाते हैं, और आपने देखा होगा कि ये चौक या चौराहे पर एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रमोशन कैंप, जिसके थ्रू ये फंडिंग कलेक्ट करके इस तरह से बच्चों की हेल्प करते हैं। थैंक यू सर।